गोरखपुर मंडल का पहला प्रशिक्षण केंद्र बना जनपद महाराजगंज, सोलर चरखा प्रशिक्षण सेंटर का हुआ शुभारंभ। महाराजगंज जिले के पनेरा विकास खंड अंतर्गत बभनौली में रविवार को डॉक्टर लोहिया विकलांग इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सोलर चरखा प्रशिक्षण सेंटर का उद्घाटन माननीय मंडल प्रभारी सीताराम पांडे ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी राम सिंह यादव ने कहा कि सोलर चरखा महिलाओं की तकदीर सुधारेगा तथा महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। महिलाओं को प्रशिक्षण के उपरांत सोलर चरखा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर होने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की आवश्यकता है। मंडल प्रभारी राम सिंह यादव ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि वर्तमान समय में लगभग बेरोजगारी की बाढ़ वाले समय में योजना वरदान साबित होगा तथा मेहनत करके लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस अवसर पर कोइल प्रसाद जिला प्रभारी महाराजगंज, सुनील तिवारी ब्लॉक प्रभारी पनियारा, सुनीता पांडे तहसील प्रभारी फरिंदा, शत्रुघ्न प्रजापति ब्लॉक प्रभारी ब्रिजमनगंज आदि लोग मौजूद रहे। इंडिया रिपब्लिक न्यूज से मधुर श्याम आज रिपोर्ट। सर, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये क्या है और आप यहाँ किस पद पर स्थापित हैं? मैं ये प्रोग्राम है सोलर चरखा का जी, और डॉक्टर लोहिया विकलांग इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट इसको चलवा रहा है जी, और मैं कार्यालय में प्रबंधक के पद पर नियुक्त हूँ और इस कार्यक्रम को आज यहाँ उद्घाटन के लिए मैं लेकर के आया हूँ। महिलाओं को एक ब्लॉक में 600 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम है। ये एक प्रशिक्षण कैंप है। प्रशिक्षण कैंप लगने के पूरा होने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद उन लोगों को मशीनें उपलब्ध कराना, उन लोगों को फ्री में कच्चा माल उपलब्ध कराना, उनको स्वावलंबी बनाना इस मिशन का उद्देश्य है। ये सोलर चरखा के अंतर्गत आता है। प्रशिक्षण कितने दिन की होगी सर? सर, प्रशिक्षण 21 दिन से लेकर के 30 दिन, 21 दिन। सर, जैसा कि ये चरखा है, जब अभी जो सुनने में आया था वो सोलर चरखा था, जबकि ये सोलर चरखा नहीं है सर। जी, ये सोलर चरखा नहीं है। मैं उसके बारे में बता दूं कि एक ट्रेनिंग सेंटर पर, जो एक ट्रेनिंग कैंप हमारा लग रहा है जी, पर चार मैनुअल मशीनें दे रहे हैं जी। ये मैनुअल मशीन है, बाय हैंडल यहां से चलेगा जी, और एक सोलर चरखा देंगे। अगर मैं सोलर से सारा उपलब्ध करा दूंगा तो लोगों को ये सीखने में असुविधा होगी। क्यों? क्योंकि बटन दबाने से तेजी से मशीनें स्टार्ट होंगी और लोगों को ये बात पकड़ने में, बनाने में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैनुअल बना लें। मैनुअल के बाद सोलर पर एक रहेगा जो सोलर पे कर लेंगे, और जब चरखा वितरित होगा उस पीरियड में उनको सोलर बैटरी, सोलर पैनल और चरखा, कच्चा माल, ये सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था उन लोगों को मिलेंगी। ये पनियरा ब्लॉक में कौन सा जगह है? बहनौली है, पनियरा ब्लॉक में, महाराजगंज जिले में है, और यहाँ पर कुशीनगर, गोरखपुर और क्या नाम है, महाराजगंज के फरिंदा जो है, कई जगह के लोग यहाँ पर आकर के जो है, ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ट्रेनर हैं, ये सारे लोग हैं। ठीक है सर। इससे पहले चरखा का स्कीम आया था जी, और कई जगहों पर वितरण भी किया गया था जी, तो सभी स्कीमें सर नदारद होते हुए कैंसिल हो गई हैं। क्या उम्मीद है कि इस चरखे को सफल बनाया जाएगा? कहां तक संभव है? बिल्कुल 100% संभव है। जैसा कि भी आप यहां पर बैठे हुए थे, मैं लोगों को यहां पर वही बात कह रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। ये निगेटिव अपने दिमाग से हटा देना है कि ये कार्यक्रम सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। ये कार्यक्रम जैसे जो भी ट्रेनिंग सेंटर पर चरखा उपलब्ध कराया जा रहा, मशीनें उपलब्ध कराया जा रहा है, कि ट्रेनिंग के बाद कम से कम एक जगह पर लगा करके एक फैक्ट्री का निर्माण भी एक फ्यूचर प्लानिंग में है। बाकी जो लाभार्थियों को चरखा मिलेगा उन लोगों को कच्चा माल फ्री में उपलब्ध कराएंगे, 100 रुपया प्रति किलो, 100 से 150 रुपया प्रति किलो के हिसाब से उनको हम यहीं पर, कहीं बेचने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर से उठाएं कच्चा माल और वहीं पर ले आकर के जमा कर दें, 100 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वो उनके अकाउंट में पैसा चला जाए। जैसा कि सर मशीन के लिए कुछ पैसा भी देना पड़ेगा लाभार्थियों को? हाँ, 10% उनको देना पड़ेगा जो है। मशीन कितने की है सर? सर, अभी मशीन के बारे में कोई रेट डिसाइड नहीं हो पाया है, जो रेट उस समय आएगा उस पीरियड में आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर, इस योजना के तहत क्या सिर्फ विवाहित महिलाएं ही? ऐसा जरूरी नहीं है, कोई विवाहित हो या अनविवाहित हो, इसमें क्राइटेरिया नहीं है, चाहे वो पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, या विवाहित हो, या इसमें विवाह और उसका कोई। क्या सर लड़कियां भी अप्लाई कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं जो है। थैंक यू। जो लोग कार्य इसमें कर सकते हैं, जो लोग स्वावलंबी स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, ये सोलर चरखा उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन माध्यम है।